हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आ गया है सर्दियों का मौसम, और इस सर्दियों के ठंडे ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए सबके घर में होना चाहिए एक रूम हीटर। और आप जब बाज़ार या ऑनलाइन में ख़रीदने जाते हो एक हीटर, तो आप सभी कभी ना कभी कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हो कि कौन सा हीटर लेना चाहिए। तो मैं आज आया हूँ आप सभी का कन्फ्यूज़न जो है थोड़ा बहुत दूर करने के लिए एक रूम हीटर लेके, जो कि है अंडर 2000 रुपीज़, और वो है बजाज का ब्लो हॉट रूम हीटर। ये वाला जो रूम हीटर है वो 2000 रुपीज़ के अंदर बहुत ही बढ़िया रूम हीटर है, मैं अगर कहूँ तो बेस्ट रूम हीटर ये है। तो चलिए आज इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको चला के देखते हैं कि इससे कैसे हवा आता है। और ये मैंने ख़रीदा है लोकल मार्केट से, जो कि मुझे तकरीबन पड़ गया है 1900 रुपये के अंदर। पर यहाँ पे MRP है, आप देख सकते हो 2339 रुपीज़। और इसका जो वाट है वो है 2000 वाट, और 230 वोल्ट का ये है। और इसका जो आइटम कोड है 267240, और इसका नाम है बजाज हीटर, बजाज ब्लो हॉट रूम हीटर, बजाज ब्लो हॉट। तो चलिए इसको अभी खोलते हैं और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो पहले ही मैं इसको अनबॉक्स कर दिया था, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये फिर से अनबॉक्स किया। इसका जो मॉडल आप देख सकते हो, जो गेटअप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, एकदम कॉम्पैक्ट सा, कॉम्पैक्ट नहीं बोला जाएगा, बड़ा ही है। पर इसका जो क्वालिटी है बहुत ही दमदार क्वालिटी है, और आप देख सकते हो बजाज का जो है, बजाज का हर एक आइटम जो है बहुत ही जो है टिकाऊ होता है। तो इसको हमने लिया है ऑफलाइन मार्केट से, और यहाँ पर आप देख सकते हो इधर से एक फ़ैन लगा हुआ है अंदर, जो कि फ़ैन जो बाहर का हवा खींचता है, यहाँ से यहाँ पे जो फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन जो हवा बाहर से खींचता है। और इधर से जो कॉयल दिया हुआ है, यहाँ पे एक कॉयल सब हीट होता है, और जो गर्म हवा है एक कॉयल के अंदर से होता हुए बाहर आता है। और यहाँ पे है 3 स्विच, जो कि है, पहला वाला स्विच है ऑन ऑफ का। अगर मैं इस स्विच को दबा दूँ तो सिर्फ कूल हवा आएगा, यानी कि ठंडा हवा आएगा, और उसके बाद वार्म हवा आएगा इस स्विच के देने से, जो कि थोड़ा बहुत गर्मी होगा हवा से। और अगर मैं हॉट में देता हूँ तो अगर तो यहाँ से बहुत ही गर्मी गर्म हवा आएगा। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे चलता है ये। तो दोस्तों, अब हमने ये कनेक्ट कर लिया है इलेक्ट्रिसिटी से, और अब हम देखेंगे इसका जो एयर फ्लो है वो कैसा होता है और कितना गर्माहट आता है। फ़िलहाल मेरे पास तो कोई मीटर नहीं है जो गर्माहट को मापने के लिए, तो अभी ऐसे ही मापते हैं। तो पहले कूल स्विच को देते हैं, ऑफ ऑन का स्विच, तो ऑफ ऑन, तो ए स्विच को देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ का जो मोटर है, और यहाँ पे जो फ़ैन लगा हुआ है वो फ़ैन यहाँ से हवा खींच रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से अभी ठंडी हवा आ रही है। तो आप देख सकते हो अभी ये जो कूल मोड में चल रहा है, अभी हम इसको देंगे वार्म मोड में, जो कि मिडिल वाला जो स्विच है इसको दबा रहा हूँ। अब हम यहाँ पे फील कर सकते हैं थोड़ा सा हवा, गर्म हवा आ रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही अच्छा गर्म हवा आ रहा है यहाँ पे, और बहुत ही आरामदायक है। और हम दबाने वाले जो हॉट वाला बटन है इसको, और हमने दबा दिया है हॉट वाला बटन को यहाँ से, और अभी इसका जो फ़ैन का स्पीड है थोड़ा सा कम हो चुका है, पर यहाँ पे जो गर्म हवा आ रहा है बहुत ही गर्म आ रहा है एकदम से। और थोड़ी देर बाद आप देख पाओगे कि जो ये कॉयल है यहाँ पे, एक कॉयल भी रेड हो जाएगा गर्मी से एकदम। तो यहाँ पे जो बहुत ही गर्म हवा आ रहा है, तो ओवरऑल आप, मैं अगर कहूँ इस वाट, ये जो एयर हीटर है, रूम हीटर जो है वो बहुत ही बढ़िया है, और एक छोटा सा रूम को ये बहुत ही अच्छा गर्म रख सकता है और बहुत ही जल्दी गर्म कर सकता है। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मेरा एक्सपीरियंस का काम लगा के बोल रहा हूँ। तो आप इसको ख़रीद सकते हो, मेरा तो ये लोकल मार्केट में 1900 रुपये पड़ा है इसको। अभी भी इसका कॉयल जो है रेड नहीं हुआ है, पर थोड़ा बहुत टाइम तक चलने के बाद इसका कॉयल जो रेड हो जाएगा।
तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो इस वीडियो का एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।